हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। नेचर स्किन टिप्स बाय कोमल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो किस बारे में, आज का वीडियो है समर्स में जो हमारे बाल टूट जाते हैं, जो बेजान हो जाते हैं, क्योंकि हम समर्स में ऑयलिंग करने से बहुत बचते हैं, हमें चिपचिपा लगता है और हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं, रफ हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है और जिनकी मांग चौड़ी हो जाती है, जिनकी बहुत जल्द बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है उन सब के लिए और हेयर डैंड्रफ हो रहा है उसमें, उन सब के लिए एक रामबाण उपाय लेके आई हूँ मैं। रामबाण उपाय ऐसे हैं कि आपको एक बहुत ही अच्छा सीरम बनाना सिखाऊंगी। आप उसको सीरम भी कह सकते हैं, उसको समर्स के लिए ऑयल भी कह सकते हैं, बट उसको सिर्फ आपको अपनी स्केल पे लगाना है, सिर्फ और सिर्फ स्केल पे, पूरे बालों पे नहीं लगाना है। इससे आपको दिखेगा कि आपके बहुत ज़्यादा बाल लंबे हो रहे हैं, एक महीने के उसमें आपके 1 से 2 इंच बाल गारंटीड लंबे होंगे। उसके बाद जिनकी मांग चौड़ी हो गई है या किसी की आप देखते भी बीच में बहुत ज़्यादा छेद होते हैं, जहाँ बाहर नहीं उग रहे होते वहाँ आपको छोटे छोटे बाल उगते हुए दिखेंगे, और जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि आप टकले हो रहे हैं वहाँ पर वो वापस से नहीं बाल उगने लगेंगे। और ये एक बहुत ही अच्छा ऑयल साबित होगा, इसे आप 30 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और मेरे सारे वीडियोस देखिए। तो इसे बनाने के लिए आपको चाहिए फेनुग्रीक सीड्स, हमें 1 से 2 चम्मच फेनुग्रीक सीड्स चाहिए, जिसमें बहुत ही अच्छी हेयर ग्रोथ की प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारे बालों को स्ट्रेट करता है, जो हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, जो हमारे बालों को लॉन्ग और शाइनी, इन सब के लिए हमको एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो होता है फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाना। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 या 2 चम्मच फेनुग्रीक सीड्स लेना है, उसे थोड़े से पानी में भिगो के रखना है, देना है। आप चाहे तो 24 घंटे भिगो के रख सकते हैं, अगर आपको इंस्टेंटली बनाना है तो 2 या 3 भिगो के रख दीजिए। भिगोने के बाद आपको क्या लेना है, हमको लेना है 1 चम्मच कैस्ट्रोल ऑयल। कैस्ट्रोल ऑयल एक बहुत अच्छा ऑयल होता है बालों की हेयर ग्रोथ बढ़ाने के लिए, बालों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनकी जड़ों को मजबूत करने के लिए, इसलिए हम उसमें लेंगे 1 चम्मच कैस्ट्रोल ऑयल, अरंडी का तेल। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल, मैं इसमें फेलमोंगा का ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, ये भी हमें सिर्फ 1 चम्मच लेना है। ये बालों को स्मूथ सिल्की करता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है, नए बाल उगाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें हम 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डालेंगे और हम इसमें एक और चीज़ डालेंगे जो बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत गुणकारी होती है। पहले हमने इसमें 1 चम्मच अरंडी का तेल लिया, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल लिया, अब हम इसके बाद इसमें लेने वाले हैं विटामिन ई कैप्सूल। आपने सही सुना, विटामिन ई का कैप्सूल जो बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। आपको पता है विटामिन ई के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं स्किन के लिए भी, बालों के लिए भी, तो इसमें हमने 1 विटामिन ई का कैप्सूल डाल दिया। आप चाहें तो आपकी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं। मैं इसे बना के रखने वाली हूँ तो मैंने इसमें 1 डाला है और मैं 1-2 और भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा फेनुग्रीक सीड का वाटर। हम इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालें, क्योंकि अगर हम इसको एक साथ डालेंगे तो हम उसको एक मीडियम कंसिस्टेंसी में बना नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है। एंड उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमने इसमें 1 चम्मच भर के लिया है और बाद में भी थोड़ा लेंगे, पहले हम इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे, मिलाते जाएंगे। ये जो जेल बनेगा, इसे हम जेल कहें, सिरम करें, टॉनिक करें, ये सब एक बराबर ही है। पर इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये नॉन स्टिकी है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये स्टिकी है, नॉन स्टिकी है। आप इसको अपने रूट्स पे, अपने स्कैल्प्स पे लगाएंगे, इसको आपको बालों के नीचे नहीं लगाना है। आपको इसको धीरे धीरे पानी ऐड करते करते इसको मिलाते जाना है, मिलाते जाना है, और इसको एक मीडियम कंटेंसिटी में रखना है, ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, ज़्यादा लिक्विड होनी चाहिए। इसको मीडियम में रखेंगे, जिसे पानी जैसी भी नहीं होगी पर भीच की होगी, ना तेल जैसी होगी। हम धीरे धीरे इसमें पानी डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे। हमें ध्यान देना, इसमें फेनुग्रीक सीड्स नहीं जाना चाहिए, सिर्फ उसका पानी जाना चाहिए।
मुझे ये कंधे से थोड़ी सी पतली लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल और डाल रही हूँ। अब मैंने इसमें एलोवेरा जेल डाल दिया है, अब मैं इसे मिलाती जा रही हूँ। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे कभी तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं इसे एक अच्छी सी सीरम बोतल में तरीके से भर लूँ, क्योंकि मुझे इसको अपने स्कैल्प पे लगाना है। तो मैं इस बोतल से इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से लगा सकती हूँ। आपके पास ये नहीं है तो आप इसको कॉटन बॉल से लगा सकते हैं। इस सीरम की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हेयर ग्रोथ बढ़ाता है। सब करने के बावजूद भी इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको लगाने के बाद आपको सर धोने की टेंशन नहीं है। आप इसको आज लगाइए, कल सर धोजिए, परसों धोजिए, 30-300 धोजिए, आप इसको 7 दिन बाहर सर धोएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि आप इसको लगा के बाहर भी जा सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और अगर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कीजिए। मेरा ये अकाउंट इंस्टाग्राम पे भी है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे नेचुरल स्किन टिप्स बाय कोमल में फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और अगर आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो देखने हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को देखिए और उसके बाद